कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। और आज मैं आपके लिए फिर से टुडे जी का लेकर आया हूं 27 अगस्त का। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपने आज के टुडे जी के सेशन को। उससे पहले मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डील करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप सुनिएगा बढ़िया से, उसके बाद इसका पीडीएफ भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। उससे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था एंड लक्ष्मीबाई वास्तविक इनका नाम क्या था। तो लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका। इस पर एक मूवी भी आई थी, मणिकर्णिका, देखा था आपने। लक्ष्मीबाई को मुख्य रूप से 57 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से 57 की क्रांति में एक बहादुर उतर लड़ी थी, और 57 की क्रांति में जो अंग्रेज के जो नेतृत्व था उन्होंने कहा था कि ये एकमात्र 57 की क्रांति की एक ऐसा विद्रोही थी जो मर्दों से भी बहादुर से लड़ी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे, पता होगा आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो होगा एंजिल। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का कि विश्व का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, और वैसे ही एक क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है और कौन है, तो वो होगा जोंग या गढ़सोपा, और वो है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो कैसा परिवर्तन होता है, यानी जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो वो कैसा परिवर्तन होता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, तो वो थे वारन हास्टिंग। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को गवर्नर जनरल के से दिक्कत होती है, गवर्नर जनरल कब बना था, गवर्नर कब बने थे, वायसराय कब बने थे, तो उसके लिए बहुत जल्द मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आपके सामने आऊँगा, जिसमें आप किस तरह से हमारे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने, वायसराय बने, तीनों के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक अगर एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, समर इन कलकत्ता किसकी रचना है, यानी किसने समर इन कलकत्ता की रचना की थी, तो वो है कमला दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, लहसुन का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, यानी लहसुन जो हम खाते हैं तो उसका कौन सा भाग हम खाते हैं, तो वो कहलाता है सल्की, सल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, यानी भारत में कौन सा ऐसा आयोग है, कमीशन है, जो कि हमारे वोटर आई कार्ड को बनाता है, तो वो है इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन हमारे भारत में वोटर आई कार्ड बनाता है, और एक वोटर आई कार्ड से हम विधानसभा का चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तथा साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं, अपने मत को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन ही हो गई थी। अब आपको पता होगा भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो वो थे असहयोग आंदोलन शुरुआत करने वाले थे महात्मा गांधी। अब इस दिन किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन बनता है कि होम रूल की स्थापना किसने की थी, और ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना किसने की थी, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, यानी किसने ये किताब लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये जाने माने राइटर हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, विषुवत रेखा के सहारे 1 डिग्री 2 देशांतर के मध्य की दूरी कितनी होती है, यानी 1 डिग्री में कितने किलोमीटर की दूरी होती है 2 देशांतर के बीच, तो वो होता है 111 यानी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधारण किस वर्ष शुरू हुआ था, यानी भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल बॉम्ब किस साल शुरू हुआ था, जिसे आज आप लोग पता है कृत्रिम गर्भधारण क्या होता है। कृत्रिम गर्भधारण का मतलब आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे महिलाएं जो मां नहीं बन पाती हैं वो आर्टिफिशियल बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं, यानी वो अपने बच्चे को किसी और के बॉम्ब में रखती हैं और बाद में उसे वो ले लेती हैं। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस जनजाति में
राजस्थान की किस जाति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो राजस्थान में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली जनजाति का नाम था वो था मीना। मीना जनजाति ने भाग लिया था राजस्थान से असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन 15, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाले यानी पाने वाले व्यक्ति का नाम है जी शंकर। कौन है? जी शंकर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कैसी इकाई है? तो ये एक तरह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता हैं? तो ये जाने माने विद्रोह है जिसके जिसका नाम है संथाल विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने जो टुडे जीके बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, यानी ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मोस्ट हीटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तथा साथ ही साथ वित्त आयोग के अध्यक्षों के सदस्यों की भी यानी सदस्यों के भी निर्धारण जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस आंदोलन के दौरान चितरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो आंसर होगा, चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो अपनी वकालत छोड़ दी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी के मुख्य रूप से चार नारे थे, एक सरकारी नौकरियों को छोड़ देना, सरकारी वस्तुओं का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती हैं उसको ना इस्तेमाल करना, सरकारी यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी शिक्षा है उसको नहीं लेना, और साथ ही साथ देसी वस्तु, जैसे आज जो मोदी ने कहा है ना मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट उस समय गांधी ने शुरू किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? यानी किस हिंदी साहित्यकार को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे सुमित्रानंद पंत। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने 20 स्टूडेंट जीके मैं लेकर आया हूँ। इस स्टूडेंट जीके को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपके वैसे दोस्त जो कि स्टूडेंट जीके के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताइए, और बताने के साथ उन्हें यह लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी आगे भला हो सके, क्योंकि जो दरोगा और जो भी SSC के एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफ़ी है।